हेलो, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको बुकरम के द्वारा गला फिनिश करना बता रही हूँ। ये भी शेप गला जो है वो शेप पट्टी के द्वारा ही बनता है। इसमें मैं बुकरम लगा करके आपको फिनिश करना बताऊंगी कि किस प्रकार से गले को बुकरम के द्वारा फिनिश किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने एक छोटा सा कमीज काटा है। इस कमीज को आप देखो, ये ध्यान से इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। इस प्रकार से आप प्रेस करके और आप एक क्रीज बना ले इस तरह से। ये देखो, आपकी एक क्रीज बन गई है। क्रीज जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। ये हमारा, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कपड़ा लेंगे। मैंने ये कपड़ा दूसरे कलर का लिया है ताकि आप अच्छे से समझ सको, वरना हम सेम ही कपड़ा लेते हैं। और ये मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, इसके इधर ये ग्लू लगा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे इस प्रकार से, ये देखिए, ये मैंने गला, मैं आपको काट के भी बता देती हूँ, मैंने पहले काट दिया था। हम गले को किस प्रकार से काटेंगे, देखो, या मैंने ये शेप दी है इस गले में, ये देखिए। तो इस प्रकार से जब हम गला जब हम लेते हैं, तो जैसे हमने टोटल गला लंबाई जो है 6.5 इंच लेनी है, तो ये हम 6.5 और 2.5 पौने 3 की चौड़ाई लेकर के और हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। ये देखिए, अब इस बॉक्स के अंदर हम कोई भी डिजाइन गले का बना सकते हैं। चाहे हम उसको वी शेप बनाएं, गोल गला बनाएं, स्वीट हार्ट गला बनाएं, मतलब इस बॉक्स के अंदर ही डिजाइन डालते हैं हम। अब हमें क्या करना है, हमें ये डिजाइन बनाना है। अब हमें ये डिजाइन बनाना है तो सबसे पहले हमें इसकी ये जो लंबाई है ये हम 1 इंच लेंगे उसी के अंदर। लेने के बाद इसको हम ऐसे तिरछा मिला देंगे और इसकी शेप जो है हम इस तरह से गोल कर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने पहले इसको गोल गला बनाया, फिर इसको हमने ये शेप दे दी। ये मैंने इसी तरह से ये बुकरम है कटिंग की है। ये देखो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने इसकी ये कटिंग की है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ग्लू वाला हिस्सा है वो कपड़े के नीचे रख करके इस प्रकार से, और इसको ये देखिए ध्यान से, इसको हम इस प्रकार से रखेंगे और ये प्रेस कर देंगे इस प्रकार। ये चिपक जाएगा इस प्रकार के, देखो ये चिपक गए। इसको उल्टा करके भी एक बार अच्छे से प्रेस कर लो ताकि ये जो है अच्छे से पेस्ट चिपक जाए। ये देखिए, इसके चिपकने के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके यहां सिलाई लगाएंगे। देखो, यहां पर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे, इस किनारे पे ऐसे सिलाई लगाएंगे इसी शेप में इस प्रकार से। ये सिलाई लगा करके फिर हम क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे इस प्रकार से, इस कपड़े को ऐसे मोड़ देंगे इस प्रकार से। मोड़ते हुए इसको पूरे को इस तरह कर लें। चाहे आप पहले इसको प्रेस भी कर सकते हो, ऐसे आप प्रेस से भी बिठा सकते हो और फिर इस पर हम मशीन लगाएंगे। तो चलो मैं आपको मशीन लगा करके और इस गले को सेट करना बताती हूँ। ये देखिए, अब जो है मैंने ये सिलाई लगा दी है, ये सिलाई लगा दी इसके साथ साथ, और ये देखो ये यहाँ पर मैंने इस तरह से मोड़ दिया, ये कोना बना दिया। ये देखिए बिल्कुल सफाई से। अब इस कपड़े को, अब ये जो है कमीज के ऊपर रखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये देखिए, ये यहाँ से आप सेंटर निकालेंगे इसका इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार इसका सेंटर निकाल लो। सेंटर निकाल के एक निशान लगा लो ऐसे इस प्रकार से। देखो, ये मैंने सेंटर लगा दिया है और यहाँ पर आप एक
हम कट लगा लेंगे, ये देखो इस प्रकार से ये कट लगा लेंगे सेंटर का, और ये देखिए यहाँ पर भी हम सेंटर का कट लगा देंगे। और ये मैंने पहले ही आपको दिखाया था, ये मैंने सेंटर निकाल रखा है, ये सीधा हिस्सा है और गले का भी ये सीधा हिस्सा है, सीधे साइड से सीधी साइड मिला करके देखिए इस प्रकार रखेंगे ऐसे, और इस प्रकार ये देखो। सबसे पहले आप क्या करें, हम करेंगे सेंटर की सिलाई लगा लेंगे ताकि आपका कपड़ा जो है हमारा ये सेट हो जाए। ये देखिए, ये देखो बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला करके ऊपर मैंने कट से कट मिला लिया, और एक सिलाई लगा लो आप इस प्रकार से। इस प्रकार सिलाई लगा करके और इसको निकाल, यहां से धागा काट दो। जब भी आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो जब वीडियो जब हम बना रहे हैं तो उस वीडियो को आप पहले ध्यान से देखें, उसको समझें, फिर उस काम की शुरुआत करें। ये जो जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अब ये देखो यहां पर अब ध्यान देना, ये हमारी बुकरम है, ये कपड़ा है, सिलाई जो है वो बुकरम पर नहीं चलानी, बिल्कुल जो है ये देखिए इसके साथ साथ, यानी कि बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। अब ये देखो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, बुकरम के ऊपर जो है वो हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए, और कपड़े पर भी ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ उसके साथ साथ बुकरम के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। इससे इसकी शेप ऐसे की ऐसी रहेगी, ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से, और फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए चले चले, ऐसे गोलाई को देते हुए हल्का सा फुट उठा करके सुई नीचे की तरफ ही रखे। जब भी हम कपड़ा घुमाते हैं तो सुई हमारी कपड़े के अंदर ही होती, इस प्रकार से देखो, ये देखिए इस प्रकार से गोलाई करते हुए, और यहाँ पर देखो ये इसका कोना है, ये देखिए ये कोना है, तो कोने पर भी हमने क्या करना है, मशीन को ऐसे रोक करके सुई नीचे रखनी है, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे कपड़े को, और फिर इस पॉइंट पर, ये हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक आ जाएंगे। ये देखिए, बस ये ध्यान रहे कि सुई जो है वो बुकरम पर ना चले, इस प्रकार से सुई नीचे है, ये देखिए सुई कपड़े के अंदर है, और फिर हमने कपड़े को घुमाया है, फिर इस प्रकार से ये देखिए बिल्कुल इसके साथ से ही, ये देखो बिल्कुल इसके साथ साथ ही हमने सुई को चलाना, ये देखिए फिर इस कोने पर फिर रोकेंगे, कोने पर रोक करके फिर इसको घुमाएंगे। देखो घुमाने के बाद फिर ऐसे ही इसके साथ साथ से ही हमने लेनी है, और हाथ से कपड़े को घुमाते हुए चलना है इस प्रकार से, इस प्रकार से। और ये ध्यान रहे ये आपका कपड़ा जो है ये इस तरह ना हो, बिल्कुल इसके साथ ऐसे करके चलना है, बिल्कुल इस तरह से चलते हुए। और ये देखिए ये आपकी, ये देखो ये गला जो है वो मैंने लगा दिया है। अब देखिए ध्यान से देखो, बुकरम के बिल्कुल किनारे मैंने सिलाई लगाई, ये देखो, और इस साइड भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखो बिल्कुल सारा। अब क्या करना है, ये देखिए अब इतना कपड़ा लेते हुए इसको हम कटिंग कर देंगे, ये देखिए इसी शेप में काटते हुए, ये देखो इसी शेप में काटते हुए इस प्रकार से, और इधर से भी इसी शेप में हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए ये मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद सबसे पहले ये देखो इस वी के कोने पे एक कट लगा दो, कट इतना लगाए ये देखिए कि आपकी जो सिलाई है वो कट ना जाए, सिलाई से थोड़ा सा छोड़ करके आपने कट लगाना है। और मैं इधर से दिखा देती हूँ, ये देखो
इस प्रकार से। ये कट लगाने के बाद फिर ये देखिए ये आपकी गोलाई है, इस गोलाई पर एक कट ऐसे लगा दो, एक कट ऐसे लगा दो और एक कट ऐसे लगा दो, ऐसे ही इधर से ये देखिए एक कट यहाँ, एक कट यहाँ और एक कट, बस इस तरह से। ये कट लगाने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, ये देखिए अब बुकरम वाले हिस्से को ऐसे पकड़ेंगे और इस सिलाई को ऐसे रखेंगे, बुकरम की साइड ऐसे रख के और इसको इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, और इसको ऐसे निकाल लेंगे इस प्रकार, इधर से भी इसको इस तरह से निकालेंगे और इसको इस प्रकार से आप जो है प्रेस कर लो, इस प्रकार से हम प्रेस कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए है गला आपका बिल्कुल तैयार हो गया है, ये इधर देखिए ऐसे देखो इस प्रकार से। अब जो है इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करने के बाद आप यहाँ इसके एक सिलाई जो है आप इसके इस तरह से किनारे पर भी लगा दें, इस तरह से। जब भी आप कोई भी काम करें तो आप प्रेस जरूर करें और साथ में कच्चा भी करें, कच्चा करने से और प्रेस करने से जो है कपड़े में फिनिशिंग आती है, कपड़ा सेट हो जाता है और वस्त्र जो भी हम वस्त्र बनाते हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगने वाला कपड़ा बन जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और जब ऊपर जो गारमेंट जब हम पहनते हैं, अपर जो गारमेंट है उसमें मेन क्या होता है, मेन उसका गला होता है, जब गले में सही फिनिशिंग आ जाएगी तो वस्त्र जो है वो देखने में सुंदर लगेगा और गला वस्त्र जो है वो भद्दा नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है और बड़े ही सफाई से चाहे काम थोड़ा करें लेकिन शुरू शुरू में आप धीरे धीरे काम करें और बहुत ही अच्छा आप सीख जाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊं और समझा पाऊं। ये आप देखिए ध्यान से मैंने आप गला जो है वो बना दिया है, ये देखिए आप, मैंने दूसरे रंग का धागा इसलिए लगाया ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका वी नेक भी आ जाता है इसके अंदर, राउंड नेक भी हो गया और ये इधर से उल्टी साइड से अब यहां पर आप हेमिंग कर लीजिए तुरपाई करके और ये गला आपका तैयार हो गया। धन्यवाद।